6G का इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना तेज हो सकता है। नमस्कार, मैं रिद्धि। टेक्नोलॉजी के जरिए हम आधुनिकता में प्रवेश करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आई टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। अब हम इसमें लगातार और प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 6G लाने की खूब जोर से उससे तैयारी भी कर रही है। भारत में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और 6G सर्विस को डेवलप करने के लिए 3 जुलाई को भारत 6G अलायंस को लॉन्च कर दिया गया था। यूनियन टेलीकॉम और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की। जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपर्ट का मानना है कि 6G का इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना तेज हो सकता है, यानी करीब 100 GB प्रति सेकेंड। जहाँ 5G हर स्पीड में 10 GB स्पीड दे सकता है, वहीं 6G से उम्मीद की जा रही है कि वह 1 TB तक स्पीड देगा, यानी 142 घंटे का कंटेंट केवल 1 सेकंड में डाउनलोड किया जाएगा। 6G का काम 2030 तक दो फेज में पूरा होगा। पहला फेज 2023 से 2025 तक और दूसरा फेज 2025 से 2030 तक पूरा होगा, यानी 2030 तक पूरे देश में 6G सर्विस शुरू हो जाएंगी। वैसे अगर बात करें 5G की, तो भारत आज विश्व में तीसरे बड़े इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। 6G आने से जाहिर तौर पर काफ़ी बदलाव होंगे और नए नए प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर को आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। वर्चुअल रियलिटी और रोबोट का इस्तेमाल बढ़ेगा। संभावना है कि स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कम हो जाएगा। लोग इसे नए अपडेट फॉर्म में यूज़ करने लगेंगे। इसका सीधा असर हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पड़ेगा। अभी देश भर में 5G पूरी तरीके से नहीं आ सका है। कंपनी ने 5G रोल आउट तो कर दिया है, लेकिन हर किसी के पास अभी 5G नहीं मिल पा रहा है। जाहिर है, नया आएगा तो पुराना और पुराना हो जाएगा। जैसे 3G आने से 4G नया हो गया और 4G आने से 3G पुराना हो गया, ऐसे ही 5G और पुराना हो जाएगा। 6G का इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना तेज हो सकता है।